हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जून टर्म एग्जामिनेशन स्टार्ट होने में ऑलमोस्ट 1.5 मंथ बाकी है, और आप लोग को इस बात की भी जानकारी होगी कि जून टर्म एग्जामिनेशन का कंप्लीट रिजल्ट डिक्लेयर होने में ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ लग जाते हैं, यानी कि जून एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर होते होते अक्टूबर हो जाते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को 10 to 15 डेज के अंदर ही रिजल्ट चाहिए, यानी कि अगर उसका एग्जामिनेशन 30 जून को खत्म हुआ और उसको 15 जुलाई के अंदर ही अपना रिजल्ट चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी नहीं है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट बता दूंगा इस वीडियो में कि उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका लास्ट डेट कहाँ होता है, कब होता है, कब अप्लाई करना पड़ता है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को ताकि आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिल पाए, और कोई भी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोग को सब कुछ सही सही से समझ में आ जाए। ये आप लोग की स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉर अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, पहला जो रूल है वो ये है कि ये अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए वही अप्लाई कर सकता है जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। ठीक है, अगर बीएससी कर रहा है तो अगर वो थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, तभी अप्लाई कर सकता है, या अगर मास्टर डिग्री कर रहा है तो सेकेंड ईयर यानी कि फाइनल ईयर में है तभी अप्लाई कर सकता है, पहली बात। ठीक है, दूसरा रूल रेगुलेशन ये है कि आपको अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, किस चीज के लिए अप्लाई, क्यों आपको जरूरत है अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का? ऐसा नहीं है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी रीजन देके अप्लाई कर सकता है, उसका एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए। रीजन क्या है? सपोज अगर आप हायर स्टडी के लिए सिलेक्टेड हो गए या किसी जॉब के लिए सिलेक्टेड हो गए, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पे जॉब पाने के लिए आपको रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट पहले चाहिए, ठीक है, तब आप अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो जब आप अप्लाई करोगे तो कोई एक डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको देना होगा, जहां पे वो चीज साफ साफ लिखा रहना चाहिए कि इस डेट से पहले हमें रिजल्ट चाहिए। ठीक है, अगर आपने किसी हायर स्टडी में अप्लाई किया, वहां पे सिलेक्टेड हो गए, हायर स्टडी करना चाहते हैं, या किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए सिलेक्ट हो गए और उसमें आपको रिजल्ट की जरूरत है पहले, तब आप अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे डॉक्यूमेंट का प्रूफ दे सकते हैं, तभी आपको अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्रूवल मिलेगा। दूसरा बात ये हो सकता है कि दूसरा जो रूल्स है वो ये है कि ये चीज सिर्फ टर्म एग्जामिनेशन के लिए ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका प्रैक्टिकल का कोई पेपर बाकी है या असाइनमेंट का पेपर बाकी है तो उस सूरत में आप अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तभी अप्लाई कर सकते हैं जब सिर्फ आपका टर्म एग्जामिनेशन ही बाकी है और कुछ बाकी नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, ये हो गया। एक तीसरा रूल ये है कि अगर कोई स्टूडेंट्स ये चाहे कि सपोज अगर किसी का एसएससी सीजीएल या अदर्स कोई एग्जामिनेशन के लिए उनको पहले, या बैंक का कोई भी एग्जामिनेशन का, आप देखिएगा कि वहां पे लिखा रहता है कि आप अप्लाई कर दीजिए लेकिन रिजल्ट 10 अगस्त से पहले चाहिए उनको, तो उस सूरत में आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ इस बात को लिखा गया है कि एप्लीकेशन फॉर अर्ली डिक्लेरेशन फॉर द रीजन सच एज अप्लाई फॉर रिक्वायरमेंट एंड हायर स्टडी और पोस्ट एंड प्रमोशन पर्पज विल नॉट बी एंटरटेन। दैट मीन्स कि अगर आप किसी रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या हायर स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका जॉब हुआ नहीं है, आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपका अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर आपका जॉब हो चुका है और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान से समझ जाइएगा। और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एकदम कंपल्सरी, अगर विदाउट अब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अगर नहीं दे रहे हैं डॉक्यूमेंट कि आपको कहाँ पे लिखा गया है कि आपको अर्ली डिक्लेरेशन चाहिए, तब अगर वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आप नहीं दे रहे हैं तो आपका ये अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्रूवल नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे है कि मैक्सिमम जो तीसरा रूल है वो ये है कि मैक्सिमम आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन फाइनल ईयर में है लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का में उसने उसका बहुत सारा पेपर बाकी रह गया है और थर्ड ईयर में वो एक ही साथ एग्जाम दे रहा है, यानी कि 7-8 पेपर का एग्जाम एक ही साथ दे रहा है, तो वो उन सारे पेपर का अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट निकाल दे। ऐसा नहीं है, वो मैक्सिमम सिर्फ 4 पेपर का ही अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। अब दूसरा बात आ जाएगा, पहला हमने एलिजिबिलिटी का बात कर लिया, दूसरा बात है कि लास्ट डेट क्या होता है उसका। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि लास्ट डेट जो होता है एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से 1 दिन पहले तक उसका लास्ट डेट होता है, यानी कि अगर जून में आप जून के लिए आप अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 31 मई तक अप्लाई कर देना होगा, अगर दिसंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 30 नवंबर तक अप्लाई कर देना होगा। ठीक है, वो आपका लास्ट डेट है, एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से 1 दिन पहले तक आपको आप अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात आएगी कि हम जब फॉर्म फिलअप कर देंगे तो ये हम कहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। तो सबमिट करने के लिए आप लोग को इवेल्युएशन सेंटर, अपना अपने इवेल्युएशन सेंटर में सबमिट करना होगा। लेकिन इस फॉर्म में जो आप लोग को नजर आ रहा है इवेल्युएशन सेंटर, वो ओल्ड है, पहले का है। इसी वजह से मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फाइल में लिंक दे दिया, वहां से आप लोग जो न्यू इवेल्युएशन सेंटर है उसका एड्रेस डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस एड्रेस पे आप मत भेजो, नहीं तो इस पे अगर भेजोगे तो आपका डिमांड ड्राफ्ट भी कैंसिल हो जाएगा, आपका फॉर्म भी नहीं पहुंचेगा और अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी नहीं निकलेगा। तो ये सारे ओल्ड इवेल्युएशन सेंटर है, जो न्यू इवेल्युएशन सेंटर है उसके ऊपर आप यहाँ पे कार्ड पे भी देख सकते हैं, वहां पे आप लोग को पता चल जाएगा। वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, वहां पे उसको फॉलो कीजिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। ये सब सारे पुराने इवेल्युएशन सेंटर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को भेजना है, उसके बाद से फॉर्म फिलअप में जो फॉर्म है ये आप लोग की स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो फॉर्म बहुत इजी सा फॉर्म है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेम, प्रोग्राम, एनरोलमेंट नंबर, एड्रेस आपका लिखना है, रीजन फॉर अर्ली डिक्लेरेशन एकदम क्लियरली लिखना है, किस वजह से आप लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे बार बार ये चीज लिखा हुआ है कि इनक्लोज द कॉपी कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस स्पेसिफाइंग द रीजन फॉर अर्ली डिक्लेरेशन। दैट मीन्स कि आपको एक फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है कि क्यों आप अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई करें, वो अटैच करना होगा अपने फॉर्म के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो कोर्स कोड है, कौन कौन सा कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब है, वो चीज लिखना होगा। कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर का कोड क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो चीज लिखना होगा। और फी डिटेल, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक पेपर का आपको 700 रुपीज लगेगा अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट इग्नू में कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप लोग यहाँ पे कार्ड पे देख सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि डिमांड ड्राफ्ट इग्नू के लिए अगर बनाते हैं तो उसमें आप लोग गलती मत कीजिएगा, ठीक है। वो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से कैसे कैसे लिखा हुआ है, वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो पर कोर्स के लिए आपको 700 लगेगा, यानी कि अगर चार पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2800 रुपीज पेमेंट करना होगा डिमांड ड्राफ्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग नंबर ऑफ कोर्स लिखेगा, जितने कोर्स कर रहे हैं उसका टोटल अमाउंट, डेट, डिमांड ड्राफ्ट और इश्यूइंग बैंक, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दोगे। तो ये है उसका फॉर्म, फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग को मिल जाएगा। उसका रूल्स एंड रेगुलेशन आपको समझ में आ गया और डिमांड ड्राफ्ट कितने का बनाना है वो भी समझ में आ गया। तो ये सब सारे चीज अगर आप भी एलिजिबल हैं अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए तो आप अप्लाई कीजिए, आपका विद इन 10 to 15 डेज में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और आपका रिजल्ट कंप्लीट डिक्लेयर हो जाएगा विद इन 10 to 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट कब है और कहाँ पे फॉर्म सबमिट करनी पड़ती है, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। तो ये सब था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अगर कोई भी डाउट हो इग्नू के रिलेटेड आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका जल्द से जल्द कोशिश करूंगा रिप्लाई करने के लिए। और अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को डिटेल में मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।